लगातार प्रशासन भाई साढ़े मजा बड़ा भाई न्यूज देसी देखने वाले सारे दर्शकों ने मनीक जागलान की राम राम। फिलहाल जेजीओ के गेट नंबर एक पर मौजूद हाँ। चारों तरफ से किसानों को घेर लिया गया था कि भाई अड़को ओपी धनखड़ आवेगा, यानी एक धोखा और। यही बात है प्रधान जी, क्योंकि ये दर्शा दिया गया था दोनों साइड से रोड ब्लॉक करके कि भाई उड़को ओपी धनखड़ को निकाला जाओगा। अभी एक मिनट जी, बहुत जरूरी बात है जो आप लोगों को नहीं पता है। अभी हम वहाँ विरोध कर रहे थे गेट नंबर एक के ऊपर, बीजेपी की गाड़ी में बैठा हुआ एक आदमी औरतों की तरफ ये करके गया है। चलो उसकी निंदा कर देते। हमने उसको डीएसपी को, सब सैनी डीएसपी और सियाग डीएसपी, इनको कहा है कि तू कुत्ते हो और तुमने अपनी बहू बेटियों की तरफ हाथ करवाया है। बीजेपी का वर्कर अंदर से गाड़ी में औरतों की तरफ, पुलिस वाली भी खड़ी थी और हमारी भी खड़ी थी वहाँ पे। ये चीज हमने फिर वहां विरोध किया, तुम अपनी बहू बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते, क्यों वर्दी पहने खड़े हो तुम, जो बीजेपी के उन गुंडों को पाल रहे हो जो अपनी तुम्हारी बहू बेटियों की इज्जत नहीं करते। तो प्रधान जी, जिस प्रकार से आज फिलहाल आपको घेरा गया था, चारों तरफ से घेर लिया था और फिर यहाँ से निकाला भी नहीं गया, यानी एक धोखा कहूंगा मैं इसको, उसके बारे में आप धोखा कह लो। हम तो ये कहेंगे यो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी का ओम प्रकाश धनखड़, हमने बिल में बांट दिया। यहाँ पर हमारी तादाद मुश्किल से 100 आदमियों की होगी और 1000 किसानों ने, 1000 पुलिस वालों ने 100 किसानों को घेर लिया। उसके बावजूद डरता मेन गेट था, यहीं की प्लान थी, यहाँ से हमने ओम प्रकाश धनखड़ को बाहर नहीं निकलने दिया और आगे आएगा हिसार में हम पूरी तैयारी के साथ शहर में नहीं घुसने देंगे, क्योंकि कल वाइस चांसलर टंकेश्वर साहब ने रिटर्न में हमारे को लेटर जारी करके दिया था, यहाँ पर कोई बीजेपी का प्रोग्राम नहीं होगा। ये धोखेबाज हैं, झूठे हैं, फरेबी हैं, किसान विरोधी हैं। अभी अभी हमारे सामने रिपोर्ट आई है, उपरले गेट के ऊपर एक पीसीआर की गाड़ी में पुलिस का कर्मचारी था हमारी महिलाओं की तरफ, इसका नहीं बीजेपी का कर्मचारी बताया गया, बीजेपी का वर्कर, उसकी मौजूदगी थी वहाँ, पुलिस की मौजूदगी थी और बीजेपी का वर्कर था हमारी किसान महिलाओं की तरफ, गलत कमेंट करके, गलत इशारा करके निकला है। हमने आगे से कोई बीजेपी का नेता कार्यकर्ता मिल गया उसको हम सबक सिखाने का काम करेंगे। इस कुकृत्य की हम निंदा करते हैं, हम सबकी बहन बेटियां सारे देश की इज्जत को अपनी इज्जत समझते हैं। ऐसा करने वाले ये सांप्रदायिक, ये चरित्रहीन, ये जातिवादी फैलाने वाले, देश की जनता के विरोधी, किसान और मजदूरों की गद्दार सरकार और बीजेपी को हम बिल में घुसेड़ करके दम लेंगे, सड़कों के ऊपर नहीं घूमने देंगे। तो प्रधान जी, आज का जो विरोध प्रदर्शन था आज यहीं खत्म होता है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं जितने भी साथी सभी गेटों के ऊपर बैठे हैं? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, कल रात के हमारे किसान साथी नौजवान कुलदीप खड़ की अगुवाई में रात को ठीकरी पारे के ऊपर थे और लगभग 1000 किसान हमारे महिलाओं समेत सुबह 7 बजे से और अब 6 बजे तक 12 घंटे रोड के ऊपर ओम प्रकाश धनखड़ बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष उसको घेर करके खड़े रहे। वहीं पर उसका ना पेशाब करने दिया, ना हमने ढंग से बात करने दी और चोर रास्ते से अंदर गया और चोर रास्ते से बाहर निकल के भाग गया। आज की हरिसार जिला के किसानों की सबसे बड़ी जीत मानता हूँ। धन्यवाद। तो मेरे साथ ये थे भाई फिलहाल मयर टोल से जो नंबरदार जी। तो आपने जैसा कि देखा भाई किस प्रकार से आज का माहौल रहा है, सारी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलेगी आज की जितनी भी है। अच्छी लगा चैनल ने सब्सक्राइब करियो, शेयर करियो। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।